तेज प्रताप जी, आपने अभी जो है बैठक भी की है, बिहार के तमाम अपने साथियों से बातचीत भी की है, न्याय यात्रा की बात हो रही है, क्या कुछ है? और इस नहीं, आप देख लीजिए कि लगातार आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जो हम लोग के नेता और हमारे भगवान और पिता और पूरे बिहार के, समझिए कि वो पुरोधा हैं, पूरे तरीके से एक सामाजिक न्याय, जिस तरीके से कहा जाए कि उन्होंने पूरे तरीके से समाज में गरीब गुरबा को उन्होंने आवाज़ देने का काम किया, और लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं सदन से लेकर के, सड़क से लेकर के, और लगातार जेल तक। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे तरीके से इस अपने नेता के साथ रहें, खड़े रहें, और खून बहाना भी पड़े तो हम लोग बहाने के लिए तैयार हैं। और इसको न्याय यात्रा हमने देने का काम किया, न्याय यात्रा हम लोग लगाने का काम करेंगे, क्योंकि 21 तारीख को उनका फैसला आने वाला है। उस दिन तक हम लोग अभी रुके हुए हैं, और न्याय यात्रा हमारा मकसद है कि अभी हमने शंखनाद कर दिया है, और पूरे बिहार में और पूरे देश में इस अभियान को हम लोग छेड़ने का काम करेंगे। और इसमें हम टोल फ्री नंबर भी जारी करने का काम करेंगे, इस टोल फ्री नंबर से जिनको जुड़ना है वो जुड़ भी सकते हैं, जो अपना राय भी देना चाहते हैं जुड़ सकते हैं इससे। 21 तारीख आपने बात कही है, जो फैसला जिस तरीके से जो आ रहा है लगातार, घोटाले पूरे बिहार सरकार कर रही है। सृजन घोटालों का क्या हुआ, नीरव मोदी का क्या हुआ, अंबानी का क्या हुआ, माल्या का क्या हुआ, इन लोग सब लोग घोटाले किए हैं, और गरीब गुरबा का पैसा इन लोग खा करके बैठी है केंद्र सरकार, और पूरी पूरी अपना ब्रांडिंग कराती है, अपने बाह बाह लुटवाने का काम करती है, और बिहार सरकार भी यही काम करती है। बिहार सरकार भी ना जाने कितने घोटाले किए हैं, शिक्षा में घोटाले पे घोटाले हुए हैं, स्वास्थ्य में घोटाले पे घोटाला हुआ है, सृजन घोटाला का अता पता नहीं है। तो पूरे तरीके से और बिहार को पूरे तरीके से बर्बाद करने का काम किया, और नीतीश कुमार के ऊपर खुद हत्या का आरोप है कि उन्हें नीतीश कुमार को जेल भेजा गया। करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके, कि आप लोग तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी देश में जितने भी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को चाहने वाले लोग हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि इस अभियान से जुड़ने का काम कीजिए, और आप देख लीजिए कि आपके नेता के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, और उनको तबीयत भी नहीं ठीक रहता, उन बीमार भी रहते हैं लगातार, और हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से। ABP News आपको रखे आगे।